बॉलीवुड स्टार्स के बहुत कम राज ऐसे होते हैं जो दुनिया की नजरों से छिप पाते हैं। सेलिब्रिटी होने का खामियाजा इन्हें अपनी प्राइवेसी खोकर चुकाना पड़ता है। इनके लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, सगाई शादी से लेकर प्रेगनेंसी और शादी में आई दरार तक फैंस की नजरों से कुछ नहीं छिप पाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी शादी की खबर को बेहद स्मार्टली छुपा कर रखा। एक दो हफ्ता या महीनों नहीं बल्कि सालों साल इन्होंने अपने शादीशुदा होने की खबर कानों कान किसी को नहीं होने दी। फेमस बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर की सुरीली आवाज लोगों के दिल के तार छेड़ जाती है, लेकिन इन दिनों मोनाली के खुलासे ने सभी को हैरान किया हुआ है। हाल ही में मोनाली ने खुलासा किया कि वह शादीशुदा है। माइक रिएक्टर, जिन्हें हम सब मोनाली के बॉयफ्रेंड के तौर पर जानते हैं, वह असल में उनके पति हैं। दोनों ने 2017 में ही शादी कर ली थी, लेकिन इस खबर को 3 साल तक सभी से छिपा कर रखा। माइक स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और वहां एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। मोनाली और माइक ने अपनी शादी को लोगों से इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि उन्होंने पारंपरिक तरीके से शादी नहीं की थी। हालांकि 3 साल बाद मोनाली ने ये राज खुद ही खोल दिया। दिव्या भारती और साजिद खान की शादी वैसे तो सिर्फ 11 महीने ही टिकी थी। शादी के सिर्फ 11 महीने बाद ही दिव्या की अकाल मृत्यु हो गई थी। साजिद और दिव्या ने भी अपनी शादी लंबे वक्त तक छिपा कर रखी थी, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में जब दिव्या ने धर्म बदलकर साजिद से शादी की तब उनका करियर शिखर पर था। वह अपनी शादी की खबर लीक करके उनके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। साजिद और दिव्या की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। तब दिव्या सिर्फ 16 साल की थी। 22 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली थी। सनी देओल अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं। सोशल इवेंट्स में भी कम जाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि सनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी बेहद आसानी से छुपा ले गए थे। सनी ने पूजा के साथ 1984 में लंदन में शादी कर ली थी, लेकिन अपने करियर की बेहतरी के लिए यह बात किसी के सामने आने नहीं दी थी। इस दौरान उन्होंने कई अभिनेत्रियों के साथ ऑफ स्क्रीन इश्क भी लड़ाया। अमृता सिंह तो सनी से शादी करने के लिए बेकरार थी, लेकिन जब अमृता की मां ने सनी की जासूसी करवाई तब ये राज सामने आया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उनकी पत्नी पूजा लंदन में रहती है, जिनसे मिलने सनी अक्सर लंदन जाया करते थे। हीरो नंबर 1 और पॉपुलर कॉमेडी एक्टर गोविंदा ने भी अपने करियर के शुरुआती दौर में ही शादी कर ली थी, लेकिन पत्नी सुनीता आहूजा और अपनी शादी की बात को उन्होंने 1 साल से ज्यादा वक्त तक लोगों और मीडिया से छुपा कर रखा था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी जिंदगी के कई राज छुपाने में भी परफेक्ट है। बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही आमिर ने 1986 में गर्लफ्रेंड रीना दत्ता के साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। दोनों की लव स्टोरी में धर्म आड़े आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस बात को सभी से छिपा कर रखा था। शादी के बाद रीमा स्कूल जाती रही थी, तो वहीं आमिर कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके इस राज को घर वालों ने पकड़ लिया, जिसके बाद रीना को आमिर के परिवार ने अपना लिया था। टीवी और बॉलीवुड एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी अपनी शादी के राज को लगभग 5 साल तक सभी से छिपा कर रखा था। सभी को लगता है कि देविना बनर्जी और गुरमीत ने साल 2011 में शादी की थी, लेकिन गुरमीत ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि उन्होंने देविना बनर्जी के साथ साल 2006 में शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी को उन्होंने परिवार वालों से भी छिपा कर रखा था।